नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। गायघाट विधानसभा के विभिन्न इलाकों में मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकार से राज्य समर्थित प्रत्याशी शंभू कुमार के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया। सभा में गायघाट विधायक निरंजन रॉय ने अपील करते हुए कहा कि मतपत्र की क्रम संख्या 3 पर शंभू कुमार को प्रथम वरीयता का मत देकर भारी मतों से चुनाव जिताने का आग्रह किया। सभा में त्रिस्तरीय पंचायती राज के मुखियागण, पंचायत समिति सदस्यगण एवं वार्ड सदस्यगणों के साथ साथ पार्टी के कई नेतागण मौजूद थे। आज गायघाट विधानसभा के प्रेस प्रखंड गायघाट के काटा महाविद्यालय में और बंदरा के उच्च विद्यालय बंदरा, दोनों जगह जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों की बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के जो प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी भाई शंभू कुमार जी, उनके समर्थन में लोग आए थे और सब लोगों ने एक स्वर से उनको यह आश्वस्त किया कि आप निश्चित रूप से यहाँ जो गायघाट और जो बंदरा प्रखंड है मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड में सर्वाधिक वोट से यहाँ से जिता के भेजने का काम करेगा। और जो काबिज हैं, जिन्होंने जो आज तक के घर से निकलने का काम जिन्होंने नहीं किया, और इनके आने के बाद शंभू सिंह, हम लोग के आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब से शंभू जी को उम्मीदवार बना के भेजा, आज उनकी हालत ऐसी हो गई कि पत्नी, बेटी, बेटा, साला साली, अपने पूरा खानदान दरवाजे दरवाजे घूमना उनको पड़ रहा है। ये हमारे प्रत्याशी की ताकत को आप समझिए कि इनके प्रति किस तरह से जनता का और जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रति, उनका रुझान इनके तरफ इतना भारी है, जिसके वजह से उनको भी आज जगह जगह घूमना पड़ रहा है। नहीं तो जो आदमी घर से बैठ के घर और होटल से बाहर निकलने का काम नहीं किया, पहली बार उनको लग रहा है कि MLC का चुनाव। युवाओं का काफ़ी समर्थन मिल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं के जो युवा हैं उनको तो इस सरकार की स्थिति देख रहे हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, क्या बचा हुआ है, सब तो चरम पे है। युवा त्रस्त है, जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो बेहाल हैं, इस महंगाई की मार आम लोगों पर ऐसी है। अभी देख लीजिए, अभी एक और भी, अभी तत्काल 2 दिन पहले जो उन्होंने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि जो भी पंचायती राज के वार्ड सदस्य, उनके पावर को सीज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि उन पर जांच करा के कार्रवाई होगी, FIR होगी। लेकिन असल तो उसमें जो भोले भाले जो यहाँ के वार्ड सदस्य थे पूरे बिहार भर के, तो सारा का सारा पदाधिकारी लूटने का काम किया, उसको तो पता भी नहीं उसको क्या, तो जो लोग पदाधिकारी था वो और जो ठेकेदार था मिलके लूटा, और आज गाज उन लोगों पर गिर रही, तो उसका भी आक्रोश।